सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। भाकपा माले समर्थित एलआईसीसी टू कोल माइंस वर्कर्स यूनियन तथा झारखंड जनरल मजदूर यूनियन की ओर से गादी श्रीरामपुर मजला डी में बैठक तथा पपरवाटाड़ स्थित उक्त यूनियनों के संयुक्त कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की 135वीं वर्षगांठ पर लाल झंडा फहराकर मजदूरों के हक अधिकार को लेकर संघर्ष का आह्वान किया गया। यहाँ माले नेता सह एलआईसी टू के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव तथा पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी अजय सिन्हा ने मेहनत कशों के संघर्ष के प्रतीक लाल झंडा फहराते हुए केंद्र की मोदी सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का संकल्प दोहराया। मौके पर माले नेताओं ने कहा कि मौजूदा दौर में कोविड को लेकर उत्पन्न जान माल की क्षति से पूरा देश सदमे में है। इस मामले में केंद्र की सरकार ने अपनी जबरदस्त विफलता का परिचय दिया है। बिना सोचे समझे उठाए गए कदमों की सबसे ज्यादा मार मेहनत कशों के ऊपर ही पड़ी है। वही कहा कि पूरे देश की मेहनत कश महिलाओं ने जहां उनके ऊपर छोटे मोटे ऋणों को माफ करने की गुहार लगाई, वही सरकार ने इसे अनसुना कर बड़ी कंपनियों को सहूलियत देना जारी रखा। कोरोना के शोर के बीच ही मौका पाकर मोदी सरकार ने मेहनत कश किसान मजदूरों के ऊपर हमला बोलते हुए जहां किसानों के खिलाफ चार काले कानून लाने का काम किया, वही श्रमिकों के पूर्व से जारी अधिकारों को खत्म करने के लिए 44 श्रम कानूनों को रद्द कर श्रम विरोधी चार लेबर कोड भी ले आई। कहा कि मौजूदा स्थिति सामान्य होती ही सरकार के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। आज मजदूर दिवस है और इस मजदूर दिवस में भाकपा माले के तरफ से आज श्रीरामपुर गादी श्रीरामपुर में मजदूर दिवस मना रहे हैं। जैसा कि पता है कि 100 साल पुराना कानून जो हमारा मजदूरों के लिए था उसमें से छेड़छाड़ करते हुए मोदी सरकार ने सब कानून हटा दिया है और मजदूरों के लिए एकदम अकेलापन को छोड़ दिया, मजदूरों को अकेलापन में छोड़ दिया है, सारा कानून को ध्वस्त कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि सरकार पहले से ही मजदूर विरोधी है, मजदूरों के साथ भेदभाव करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से किया है। आज के डेट में हम इस क्षेत्र को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि कोविड-19 का जो नियम है, जो कानून है, बड़ा सा हम आंदोलन कर नहीं सकते और न ही नियम है। तो चार पांच लोग खड़े होकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि इन तमाम लोग जो फैक्ट्री इलाके से हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो गरीब हैं, यहाँ के जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, उन परिवारों के यहाँ पूरा छल प्रपंच के साथ पूरा तबाह कर दिया गया है। हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे मजदूरों के लिए, बहुत जल्द लड़ेंगे। जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा हम लोग शुरू करेंगे, जन सुनवाई करेंगे कि आखिर इन फैक्ट्री के मजदूर जो काम करते हैं उनके हक के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए कौन खड़ा रहता है। और बहुत जल्द हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे। जैसा कि तमाम लोग तो हम बताना चाहते हैं कि माले, भाकपा माले ही मजदूरों के लिए है। जैसा कि कॉमरेड राजेश यादव जी ने कहा है कि जो मजदूरों के लिए, खासकर दोनों सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, आज के डेट में मजदूर के पास काम नहीं है, रोज क्या खाएगा इसका कुछ इंतजाम नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि लंबा चौड़ा भाषण ना देकर उनके घर में रोजगार के लिए उनका कुछ उपाय करे, उनके घर में कैसे खाना चले, कैसे चूल्हा चले, इस पर ध्यान दे।